नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी चल रही थी, पिछले दो दिनों में तो बहुत अच्छी तेजी आई है। आज भी इनिशियली एक डिप आया, ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा ट्रेड होते हुए देखा आप सभी ने। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, नीचे से लगभग 2% ऊपर तक गया, लेकिन वहां से एक करेक्शन स्टार्ट हुई लगभग 12:30 बजे के बाद, और फिर आईटी स्टॉक्स में एक डिप आई। आईटी इंडेक्स की बात करूं तो वहां भी आपको काफी ज्यादा आज के सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जहां फर्स्ट हाफ तो पॉजिटिव ट्रेडर्स के लिए गया, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेडर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहा। आईटी इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो आईटी इंडेक्स 31,041 के लेवल्स पे आपको क्लोजिंग देते हुए दिखा है, जहां पे आज का अगर इंट्राडे हाई भी आप देखोगे तो 31,658 का, यानी कि ऊपर से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे आपका आईटी इंडेक्स बन हुआ है, कह सकते हैं 2% नीचे। पहले तो मैं आपको बता दूं, आईटी के लिए एक आज निफ्टी की रिसेंटली जो इंक्लूजन स्टॉक है जिसका नाम है एलटीआई माइंडट्री, उसके नंबर्स भी आए हैं, तो मैं पहले आपके साथ शॉर्ट में एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मार्जिन्स की बात की जाए तो कंपनी के एबिटा मार्जिन्स 19.5% पे आए हैं, 18.5% से बढ़कर। एबिटा 1604 करोड़ के सामने 1494 करोड़ पे आया, तो हल्का सा डिप कर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। एबिट की बात की जाए तो 1421 करोड़ से बढ़कर 1451 करोड़ पे आया है। एबिट मार्जिन 16.35% से बढ़कर 16.65% पे आए हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 1152 करोड़ पे आया है, 1113 करोड़ के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, बट एक हल्का सा जंप है। बाजार का अनुमान 1200 करोड़ के प्रॉफिट का था, उसके सामने थोड़े कमजोर है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 8691 करोड़ के सामने 8702 करोड़ पे आया है। तो इन नंबर्स को आप इनलाइन या स्लाइडली नेगेटिव कह सकते हैं, बट स्टॉक का प्राइस कैसे रिएक्शन देगा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय आईटी स्टॉक्स रिजल्ट कुछ और है और रिएक्शन कुछ और आ रहा है। अब आ जाते हैं क्या हुआ आज के सेशन में। देखिए, अगर आप नोट करेंगे तो पहले तो वॉल्यूम्स पे मैं आपसे कहूंगा नजर डालने के लिए, इंफोसिस 1.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 60 लाख का है। टीसीएस 27.43 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 19 लाख शेयर्स का है। एचसीएल टेक 31.6 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 24 लाख शेयर्स का है। अगर आप बात करें विप्रो की तो वहां तो खैर आज बहुत ही तंगड़ा मूव था, 50 लाख के एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 2.28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो पूरे के पूरे आईटी पैक में अगर आप देख पा रहे हो तो वॉल्यूम्स बेहद शानदार ट्रेड होते हुए देखें। एक और आईटी स्टॉक है टेक महिंद्रा, तो मैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं उसे सर्च कर लेता हूं क्योंकि वो अभी मेरी लिस्ट में शो हो नहीं रहा है। तो टेक महिंद्रा भी मैं यहां पे ओपन कर चुका हूं। देखिए, आज 48.79 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 23.50 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब हुआ क्या, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग अचानक से क्यों गिरे। ऑलरेडी अगर आप एक वीक के अभी स्टिल देखोगे ना, तो लगभग टेक महिंद्रा 8% ऊपर है, और एक महीने में मैं चेक करूंगा तो 15% का रिबाउंड दे चुका है। बात करें टीसीएस जैसे दिग्गज स्टॉक की, तो एक महीने में टीसीएस ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, और एक हफ्ते में भी ऑलमोस्ट 7-8% ऊपर है। इंफोसिस की बात करें तो एक हफ्ते में लगभग 7% ऊपर है, और एक महीने में लगभग 10% ऊपर है। विप्रो की भी बात कर लेते हैं, जो कि रिसेंटली बायबैक भी हुआ है, नंबर्स भी आए, सब कुछ, एक महीने में 10% ऊपर है, एक हफ्ते में 7%, तो ऑलमोस्ट 7-10% का बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में जंप आया है। आज के सेशन में सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं रोटेशन हो गया बाजार में, सेक्टर रोटेट हो गया दोबारा से, आईटी की जगह दोबारा से लोग बैंकिंग में चले गए। जैसे एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए बैंक निफ्टी की तरफ। अब आप देखेंगे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे या फिर एचडीएफसी बैंक का कर लीजिए, जो दिन करे वो कर लीजिए, एग्जैक्टली आप देखेंगे 12 बजे के समथिंग यहाँ पे मूव स्टार्ट हुआ, और ये डेज हाई पे बंद हुआ है, और आईटी सेक्टर डेज लो पे बंद हुआ है, तो मे बी सेक्टर रोटेशन हो सकता है। अब लोगों का सवाल है कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा इज्जत दें। इज्जत देने से मेरा मतलब यह है कि उसकी ऐसे ना करें कि सिर्फ और सिर्फ आप बाजार में ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो, आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, वो भी एक ऐसा स्टॉक इंफोसिस टीसीएस विप्रो एचसीएल टेक टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक है नहीं खरीद बेच करने वाले, इनके नंबर्स खराब आ रहे हैं, आप मानो मत मानो, जो लोग समझ रहे हैं बाजार को वो बात मान रहे हैं कि चाहे विप्रो हो चाहे एचसीएल टेक हो, दोनों के नंबर खराब थे। बात करें टीसीएस की तो वो भी अच्छे नहीं थे, वो इनलाइन थे, लेकिन स्टॉक ने क्या करा, 8-10% ऊपर भागे। ये केवल एक होप है कि अगले दो क्वार्टर में नंबर अच्छे आएंगे तो फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं, ये होप है। अब होप सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ये स्टॉक्स एक दो क्वार्टर के नहीं है।
ये स्टॉक इस तेजी में आपने खरीद लिया, अब आज मान के चलो इन्फोसिस किसी ने 1450 पे ले लिया, उसने 1400 देख लिया, अब वो टेंशन में होगा यार मैंने हाई पे तो नहीं ले लिया, एक्चुअल में वो हाई है ही नहीं, हाई तो 1950 का है भाई, अगर दोबारा नीचे 1350 पे आ जाए तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए मुझे लेना है और मुझे और ऐड करना है, मुझे पोर्टफोलियो बनानी है 2 साल के लिए, ये व्यू रखोगे तो पैसा बना पाओगे, ये व्यू रखोगे कि मैं यहां खरीदूं और वहां से 20 पॉइंट चला जाए और मैं बेच दूं तो आप पैसा बड़ा वाला गवा दोगे, मैं आपसे बता रहा हूं, तो आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। देखिए कुछ स्टॉक है जिनके नाम में लेना चाहता हूं, जैसे कि इंफोसिस, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि विप्रो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऐसे स्टॉक है जो अभी आप खरीद के पैसा बनाने की सोचोगे शायद ना बने, लेकिन यहां बेचा बूची करी तो आप 2 साल में जो पैसा बनाने वाले थे वो छूट जाएगा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। मेरा जो फर्ज था वो मैंने आपके साथ शेयर करा, जो मेरा व्यू था इनफैक्ट वो मैंने आपके साथ शेयर करा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।